नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे स्प्रे पॉन्ड के बारे में। जो स्प्रे पॉन्ड होता है वो क्या होता है और वो क्या काम करता है। देखिए, जो स्प्रे पॉन्ड है इसको समझने से पहले हमको समझना होगा कि कंडेंसर क्या होता है। देखिए, जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर जो हमारा फंक्शन करता है, ये जो हमारा वेपर होते हैं उनको ये लिक्विड रीजन में कन्वर्ट करता है। या दूसरी बात कहें कि जो कंडेंसर के अंदर हमारे वेपर आते हैं वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होते हैं। जब उनको हम लिक्विड रीजन में कन्वर्ट करते हैं तो उनके अंदर से हीट निकलती है, यानी कि वो लो टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर हो जाता है लेकिन प्रेशर हाई ही रहता है। तो कंडेंसर ये काम करता है। तो कंडेंसर को ये काम करने के लिए, यानी कि वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरत होती है ठंडे पानी की, यानी कि कोल्ड वाटर की। तो कोल्ड वाटर की जो सप्लाई है वो यहाँ से की जाती है। ये है स्प्रे पॉन्ड, ये है स्प्रे पॉन्ड। तो यहाँ पे ये लगा है पंप। तो पंप के थ्रू यहाँ से पानी को खींचा जाता है और इसके अंदर इस तरह की पाइपिंग अरेंजमेंट की जाती है और इस कोल्ड वाटर को इस पाइप के थ्रू यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये स्प्रे हैं, तो स्प्रे की फॉर्म में ये बाहर आता है। तो स्प्रे की फॉर्म में ये बाहर आता है तो क्या होता है। तो इसी तरह से यहाँ भी, इसी तरह से ऊपर भी हम इस तरह की स्प्रे इसके कर सकते हैं, तो ऊपर भी कर सकते हैं। तो स्प्रे फॉर्म में बाहर आता है। तो यहाँ पे कंडेंसर का काम क्या है। कंडेंसर का काम है जो वेपर आए उनको लिक्विड रीजन में, यानी कि लिक्विड जो रेफ्रिजरेंट है उसमें कन्वर्ट करना। तो ये काम है, तो वेपर आए उनको लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो वेपर के अंदर से हीट लिबरेट होगी, हीट को निकलेगी। तो कौन उसके अंदर से हीट निकालेगा, ये ठंडा पानी उसके अंदर से हीट निकालेगा जब इसके कॉन्टैक्ट में आएगा। इसी तरह की पाइपिंग अरेंजमेंट इस वेपर्स के लिए भी की जाती है। तो ये जो हमारा वाटर है ये क्या करता है, ये हीट को ले लेता है। जैसे ही ये हीट को लेता है और यहाँ से स्प्रे फॉर्म में बाहर निकलता है, जब ये स्प्रे फॉर्म में इस तरह से गिरता है तो ये एयर के कॉन्टैक्ट में आता है। तो एयर के कॉन्टैक्ट में आता है, मान लीजिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हैं, वो इवेपोरेट हो जाते हैं। तो जब वो इवेपोरेट होते हैं तो वो बाकी मॉलिक्यूल्स को, जो उसके साथ वाले थे, उनकी हीट को ले जाते हैं, यानी इसका मतलब ये है, और इनको ये ठंडा कर देते हैं। तो ये जो ठंडा है, जो पानी है या ड्रॉपलेट्स हैं, वो इसमें गिरती रहती हैं। यहाँ पे इवेपोरेशन होता रहता है और ठंडी वाटर ड्रॉपलेट इसमें गिरती रहती हैं और यहाँ पे जो वाटर इकट्ठा होता रहता है वो ठंडा वाटर इकट्ठा होता रहता है। उसको दोबारा से इसी तरह से सर्कुलेट हम करते रहते हैं और ये हमारा जो है, जो वार्म वाटर है, यहाँ पे वार्म वाटर हो जाता है, जो हीट लेके आता है वो कूल्ड होता रहता है इवापोरेशन के थ्रू। तो जो वाटर है कंडेंसर से स्प्रे की फॉर्म में निकलता है और जो इसके जो सरफेस पे भी गिरता है और इन स्पेशल जो नोज़ल डिज़ाइन की होती हैं इनके थ्रू गिरता है, तो इवापोरेशन होती रहती है और ये ठंडा होता रहता है एयर के कॉन्टैक्ट में आके। तो इस तरह से जो स्प्रे पॉन्ड है वो काम करता है कंडेंसर के लिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।